तो भाई लोग कैसे हो। तो देखो यार, ये कोई गेम प्ले वीडियो नहीं है, एक ऐसा वीडियो है जो कि मैंने एक साल पहले अपने मॉम के J7 Next के जो पुराने वाला फ़ोन है ना उसमें शूट किया था। तो हम पबजी लाइट खेल रहे थे, एक लड़की आई नेपाली वाली जो हिंदी में बात कर रही थी, यार क्या ही बात कर रही थी, क्या ही बोले। तो यार वो आई थी तो उसके साथ हमने कुछ मतलब टाइम पास की थी, तो वही यार क्लिप को हम आपको दिखाने वाले, मज़ा आपको बहुत आएगा। वीडियो इन तक पूरा देखो, मज़ा नहीं आया तो पैसा वापस। मुझे, मैं नेपाली लड़की हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, ये गाली क्या होता है वो मालूम नहीं, इसके लिए सॉरी। ठीक है, मैंने तुमको मैं तुमको ओसड़ी के बुलाएंगे, तुम्हारा नाम ओसड़ी रख दूंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा ठीक है, देख रहे आप आप ना मुझे प्यार से चूतिया बुलाएंगे। हाँ oh, no. तुम्हें चूतिया? हाँ अबे मैं तो हूँ ही चूतियों का मुखिया, देखो मेरे क्लैन में 4 चूतिये हैं, जिस चूतियों का मैं मुखिया हूँ। मतलब क्या ही यार, ये अपने आप को चूतिया बोलने में भी शर्म नहीं आ रही इसको। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों भगवान से डरो। वैसे है तो ये पैदाइशी चूतिया, लेकिन फिर भी वैसे छोड़ो यार, माना तो सही, सच तो माना कम से कम इसी बहाने। आप मेरे क्लैन में आ जाओ ना। नहीं आने के, आप मुझे पब्लिटी दो। पब्लिटी तो दे दिया मैंने, फुल दो तो। दिन मैं क्या प्लीज दो ना, प्लीज दो ना, प्लीज दो या दो चार दो ना। अच्छा ठीक है, पता है हराम ही हो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, मैं आपको चिकन भेजता हूँ। मैं अब BS खर्च करके आपको चिकन देता हूँ, ये लो। अरे क्या ही मैडम जी, आप हंसते हो ना तो दिल में कुछ कुछ होता है। गजब बेइज्जती है। ऐसी ही कातिल हंसियों के कारण कितने सारे लौंडों की जिंदगी बर्बाद हुई, लेकिन फिलहाल के लिए हमारे भाई की भी जिंदगी बर्बाद होते होते बच गई, क्योंकि वह नेपाली लड़की और उसके घर बहुत दूर है यार, तो हम जा नहीं सकते थे। लेकिन फिलहाल के लिए उसने एक ऐसी बात बोली जिससे मेरे भाई को बहुत दुख है। क्या सुन लो जरा, ठीक है? थैंक यू भैया। भैया बोलोगे तो दिल में लगेगा। भैया जी आपको नमस्ते। तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये आप ठीक नहीं कर रहे। तो मेरे भाई ने ऐसे ही अपना कटवा ली, और फिलहाल के लिए मैंने उसको भोसड़ी के बोला था, लेकिन अभी उसका रिएक्ट देखो जरा, भोसड़ी के बोलने के बाद क्या हुआ उसका। और वैसे वो नेपाली लड़की है, तो वो बोल रही थी कि उसको हिंदी ज्यादा आता नहीं है, तो भोसड़ी का मतलब उसको पता नहीं है। वो तो गलती से, हाँ ठीक, आप नहीं जानते, आपने बोला हमको पता नहीं है ये क्या होता है, तुम्हें भोसड़ी वाले। मजा आया, ये क्यों नहीं बोल रहा है आपके लिए तो जान भी हाजिर है। क्या वो मेरा चमचा है, पास में रहता है। चाचू है? अब नहीं, वो एक अलग टाइप का चूतिया है, वो कहते हैं ना। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मैं सिंगल ठीक हूँ, सिंगल रहूंगा, सिंगल नहीं रहूंगा मतलब अभी हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? इस जा रही इस दीदी के लिए गालिया, तालिया। और उसके बाद ये प्रूव हो जाता है कि वो बंदी मतलब वो लड़की मतलब वो लौंडिया नेपाली है, क्योंकि भाई इसका हिंदी देखो, मतलब हिंदी सुनो जरा। उसके बाद उसने हिंदी बोला, ऐसा हिंदी बोला मैं खुद हिंदी बोलना भूल गया भाई साहब, क्या ही बोलूँ मैं, एक बार जरा सुन लो। अच्छा दीदी, आप मेरे को पॉपुलैरिटी देंगे मैडम जी? तुम्हें पॉपुलैरिटी नहीं दूंगे, तुम्हें मुझे दो। मेरे को लग रही है कि वो डिक्शनरी लेके बैठी है, क्योंकि वो डिक्शनरी देख देख के एकदम वर्ड एकदम प्रॉपरली बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बोल नहीं पाई यार। मैंने तो दे दिया, अबे इज्जत करो हमारी। इन लोग मुझे होशड़ी क्यों बोलते हैं? अच्छा रुको, इन लोगों को अभी निकालता हूँ। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का,
अच्छा से लग गया तूने मेरे प्यार का यार।